गाइस ये देख सकते हो, मैंने लैपटॉप खोल लिया और उसका फैन किस कदर गंदा है। इतना गंदा तो मैंने देखा नहीं, बिल्कुल ब्लॉक है। आज हम खोलेंगे अपना लैपटॉप जिसका नाम है Asus TUF F15। और गाइस मैं इस लैपटॉप को खोलने जा रहा हूँ आज, क्योंकि ये मिट्टी से भर गया होगा जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि इसको 2 साल हो चुके हैं, तो इसको मेरे को खोल के देखना पड़ेगा। मैंने बस एक बार खुलवाया था जब रैम डलवाई थी, बस और कुछ नहीं, एक हार्ड ड्राइव डलवाई थी तब भी खुलवाया था, तो उस टाइम में थे वो शुरुआत में लगा ली थी, लेकिन इसको मैंने उसके बाद कभी नहीं खोला। तो मेरे को जहाँ तक लगता है इसमें पक्का मिट्टी भरी होगी और इसके टेम्परेचर्स भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके टेम्परेचर अभी कितने हैं, फिर उसके बाद दिखाऊंगा आपको बाद के, और साफ करने के बाद और उससे पहले के। ओके गाइज चलो अब देखते हैं। तो गाइज मैं ये खेल रहा था GTA Vice City डेफिनेटिव एडिशन और इसके टेम्परेचर देख सकते हो 87 पे है, और 88 90 भी जाते थे ये। और इस टाइम पे मैंने अंडरक्लॉकिंग कर रखी थी, यानी कि इसका जो CPU है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देता है, वो 96 तक भी पहुंचा देता है, तो मैंने अंडरक्लॉकिंग कर रखी थी। सिर्फ इसको मैं 20 वॉट की पावर देता था, मैं साफ साफ बताऊं तो पावर कम देता था, और अभी 88 आ रहे हैं। अब देखते हैं साफ करने के बाद इसमें कितने आते हैं। चलो गाइस इसको खोलते हैं। इसको खोलने के लिए हमको चाहिए पेचकस, जो कि है कुछ इस प्रकार का। इसको बंद करो पहले। और गाइस जिन लोगों को अंडर वोल्टिंग नहीं पता, मैं उनको सीधी भाषा में समझा देता हूँ। अंडर वोल्टिंग वो होती है जैसे आपका CPU एक 30 वॉट की पावर ले रहा है, तो उसको 30 वॉट ना देके 10 वॉट कम करके 20 वॉट की दे देना, जिससे ज़्यादा पावर नहीं खाएगा, पावर नहीं खाएगा तो हीट नहीं होगा। तो ये करना पड़ता है इसके साथ। ये Asus TUF है ना, ये कुछ ज़्यादा ही पावर लेता है, तो ये 100-100 डिग्री पहुंच जाता था, इसलिए अंडर वोल्टिंग इसमें ज़रूरी होती है। मैंने वीडियो बनाई थी, अगर देखी हो तो, नहीं देखी हो तो देख लेना, डाल दूंगा नीचे। अंडर वोल्टिंग बढ़िया रहती है, मैं तो कह रहा हूँ। अगर अगर बिना अंडर वोल्टिंग के खेलोगे ना तो टेम्परेचर डाउन नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि ये पहुँचा ही देता है वहाँ तक। इसके नॉर्मल ही 90 ऊपर जाते हैं, फैन भी क्या ही कर लेगा ना, फैन है AC थोड़ी ना है। दिख रहा है? कोई नहीं आया, मैं फोटो खींच के दिखा दूंगा, ऐसे नहीं दिख रहा। तो इसी से खोलेंगे, इतना सा ये। तो गाइज ये वाला वो पेचकस है या स्क्रू ड्राइवर कह सकते हो, सुंदर सा ये देख सकते हो आगे से कितना पतला है, एकदम छोटा सा। और ये पूछो कि कहाँ से लाया, तो ये मेरे को मेरे पापा ने दिया है, पापा के पास पड़ा था। ये एक टाइप का आप कह सकते हो मैंने जुगाड़ लगा लिया है, क्योंकि इससे ये मतलब आगे से बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसी से खोल दूंगा मैं, सारे पेज खोलूंगा, और इससे खुल भी जा रहे हैं, मैंने देख लिया था। आओ अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको खोलना। गाइज ये देख सकते हो, मैंने लैपटॉप खोल लिया और उसका फ़ैन किस कदर गंदा है। इतना गंदा तो मैंने देखा नहीं, बिल्कुल ब्लॉक है। और ये वाला GPU का फ़ैन है तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये तो बहुत गंदा है गाइज। और ये इसका कवर है, और ये देखो ये स्क्रूज़ मैंने ऐसे रख दिए गाइज, ताकि ना इसको खोए ना, मतलब जैसे जोन सी साइड का जो सा स्क्रू था मैंने उसी साइड रख दिया था, जो कि बिल्कुल सही रहा। चलो गाइज मैं अब आपको ये फ़ैन जो है दोनों साफ़ करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने पंखे दोनों जो भी फ़ैन फून है जो साफ़ कर दिया एकदम, देखो अंदर तक चमका दिया इसको मैंने। और ये है राइट वाला शायद GPU का फ़ैन है, और दोनों, और मैंने मिट्टी विट्टी साफ़ कर दी है। और ये देखो ये मैंने रैम लगवाई थी क्रूशियल की, ठीक है, और मैंने एक ये हार्ड ड्राइव लगवाई थी, और मैंने बिल्कुल पूरा साफ सूफ कर दिया। पर आप भी ध्यान रखना कि ना सील ना टूटे ये वाली, और ज़्यादा हार्श मत, जैसे रगड़ना मत इसको, कुछ भी टांगे वांगे टूट गए ना काम हो जाएगा, मदरबोर्ड की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसको भी मत छेड़ना ज़्यादा, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिट्टी हल्की फुल्की थोड़ी बहुत हल्के हाथ साफ़ करना, और ये मेरे को समझ नहीं आया ये क्या है, बाकी सब ठीक ही है गाइस। तो गाइस आप ये बिफ़ोर और आफ्टर के रिजल्ट्स देख सकते हो, ये पहले था और ये अब है, कितना ही फ़र्क है। और ये GPU का फ़ैन भी गाइस मैंने साफ़ कर दिया, मैं इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक टेस्टिंग भी करनी है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि इसके दोनों फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदे थे, लेकिन एक फ़ैन जो था CPU वाला बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदा था, हद तक मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं इसको, सिर्फ मैंने फ़ैन साफ़ करे हैं, और हल्की फुल्की जहाँ पे जो भी डस्ट थी वो मैंने ऐसे हल्की हाथ से साफ़ करके उड़ा दिया, साइड कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये जो जितना मेरा चलता है, जितने मैं हीटिंग की वजह से इसको चलना ही बंद कर दूँ, ठीक है। तो मैंने बस फ़ैन साफ़ करे हैं जिससे वो ब्लॉक ना हो, जो ब्लॉक थे वो मैंने साफ़ कर दिए। अब देखते हैं गेम कैसी चलती है। ये मैंने स्पाइडरमैन 2 नामक गेम खेली है, जिसके आप
देख सकते हो टेम्परेचर 78, सीधा 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो गए हैं। यानी कि इसको साफ करने से, सिर्फ इसके फैन साफ करने से कितना फर्क पड़ गया है। और गाइस बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कर लो आप भी, अगर आपने नहीं करा ना तो। ये आपको चाहिए क्या, बस इतना ऐसा सा पेचकस चाहिए, एक मैं फोटो डाल दूंगा इसकी खींच के, तो बढ़िया रहेगा, आपका भी लैपटॉप सही हो जाएगा। देखो 77 78 आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइस ये इतनी बड़ी गेम है, कितने 250 GB की गेम है ये, और ये बड़ी बढ़िया चल रही है, इसमें मजा आ रहा है। और सीपीयू भी गर्म हो नहीं रहा, जीपीयू भी नहीं हो रहा होगा आई होप, पता नहीं जीपीयू के टेम्परेचर ये दिखाता नहीं है, मेरे समझ की बाहर है ये सब चीजें ना इसकी। मैं बहुत जोर लगा लिया पर ये दिखा नहीं रहा, अगर आपको पता हो तो बताना मेरे को, मैं वो भी दिखा दूंगा, नहीं तो मुझे तो पता नहीं कैसे दिखाता है ये। ओके गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। ओके गाइज, बाय बाय। और हाँ, अगर ये स्पाइडरमैन 2 का गेम प्ले देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। बाय बाय।